चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पैटर्न बनाना देखिए, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। उल्टी साइड सीधी साइड से ऐसा दिखाई देता है, उल्टी साइड से सारे फंदे हमारे उल्टे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना, कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज़ बताना मत भूलिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है और ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा है। ठीक है, तो चलिए डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करते हैं। एक लाइन का डिज़ाइन है, उसके बाद आपको सेम पैटर्न रिपीट करना है। उल्टी साइड से सारे फंदे आपके उल्टे ही रहेंगे, इनमें कोई बदलाव नहीं करना है। इसमें मैंने देखिए क्या किया हुआ है, दो फंदे दोनों साइड पे मैंने उल्टे रखे हैं, पांच फंदों का पांच, उसके बाद पांच फंदों का डिज़ाइन है, दो बीच में उल्टे हैं। उल्टे आप अपनी मर्ज़ी से बड़ा और कम कर सकती हैं। ठीक है, तो चलिए अभी मैं बनाना स्टार्ट करते हैं इस डिज़ाइन को। बहुत ही ईजी है, तो चलिए ये हमारी फर्स्ट रो है। फर्स्ट रो में देखिए आप क्या करेंगे, पहले दो फंदे बुन लेंगे, चाहे तो आप उल्टा रख लीजिए दोनों को। ठीक है जी, पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे, एक दो और तीन। तीसरे फंदे को हम दो फंदों के ऊपर से नीचे गिरा देंगे ऐसे, और इसको हम एक सीधा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे और एक जाली डाल के। ठीक है, देखिए धागा आगे करके एक जाली डाल के सीधा बुनेंगे। नेक्स्ट फंदा हमारा सीधा रहेगा, फिर धागा आगे। बीच में मैंने जो दो रखे हुए हैं आप इनको दो कर लीजिए, चार कर लीजिए, ये आपकी मर्जी है। फिर से पैटर्न रिपीट होगा, एक फंदा सीधा, दो फंदों के बाद तीसरे फंदे को उठा के हमने दो फंदों के ऊपर से नीचे गिरा देना, और एक फंदा सीधा, धागा आगे, जाली डालेंगे और दूसरा फंदा सीधा। फिर से लास्ट वाला फंदा, अगला फंदा जो होगा पांचवा फंदा हमारा सीधा रहेगा। नेक्स्ट एक फंदा उल्टा और एक फंदा वैसे बुन लेना। ये है हमारी उल्टी साइड, रॉन्ग साइड। इसमें सारे फंदे जो हमारे हैं वो उल्टे रहेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है। ये जो जाली डाली थी वो फंदे को हम ऐसे करके उल्टा बुनेंगे। इसमें नो चेंज, जो जैसे हैं सारे के सारे उल्टे ही रहेंगे। ये आ गई हमारी सेकेंड रो। इसमें देखिए सेकेंड रो में क्या होगा, एक फंदा बुना, दूसरा हमने उल्टा बुना। ठीक है जी, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, दूसरा सीधा, तीसरा फंदा सीधा, चार और पांच फंदे सीधे, धागा आगे, दो उल्टे, सेम पैटर्न रिपीट, एक दो तीन चार पांच फंदे सीधे, दो उल्टे। उल्टी साइड जो जैसा दिख रहा है उसे वैसा ही बुनेंगे। तो ये मैं बुन के आपको दिखाती हूँ। उल्टी साइड जो देख लीजिए, उल्टी साइड में हमेशा जितने भी आप डिज़ाइन डालेंगे सारे फंदे उल्टे रहेंगे, इनमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अभी आ गई हमारी थर्ड रो। थर्ड रो में क्या होगा, सेम यही वाला पैटर्न रिपीट होगा। यहाँ पे जो हमने यहाँ पे डाला था वही अब रिपीट होगा। जैसे एक बार दोबारा देख लीजिए, एक फंदा बुना, दूसरा उल्टा बुना, ये भी उल्टे आप अपनी मर्जी से कम बढ़ा सकती हैं, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, एक दो तीसरे के ऊपर से उल्टाना है हमें ऐसे, एक फंदा सीधा, एक जाली डाल के। ये जाली हमने क्यों डाली, क्योंकि हमारा इधर एक फंदा कम हुआ है। ठीक है, हमने जो नीचे डाला उसकी जगह पे यहाँ पे एक फंदा बढ़ गया है। देन नेक्स्ट सीधा फंदा, दो फंदे उल्टे, पैटर्न रिपीट, एक फंदा सीधा, दो एक दो, तीसरा फंदे को दो फंदों के ऊपर से हम नीचे गिरा देंगे ऐसे,
जो फंदा नीचे गिरा है अब वो यहाँ पे जाली डल के सीधा बुनना है और जाली पड़ जाएगी, बढ़ जाएगा। देन सीधा उल्टा, अभी हर बार यही रिपीट होता रहेगा। अभी हम यहाँ पे दो फंदे उल्टे बुनेंगे, पांच फंदे सीधे बुनेंगे, दो फंदे उल्टे, पांच फंदे सीधे, देन एक उल्टी साइड सारी उल्टी रहेगी। उसके बाद हर दो एक सीधी सिलाई के बाद ये पैटर्न रिपीट होगा, जितनी सीधी सिलाई पड़ेगी उसके बाद ये पैटर्न रिपीट होता जाएगा। ठीक है जी, अगर आपको इसे समझने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से रिपीट करके ये डिज़ाइन बनाना सिखा दूँगी। तब तक के लिए मिलते हैं, टेक केयर।